हाथरस हादसे को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यूपी के हाथरस में हुई भागदड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में 5 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच कराने की गुहार लगाई गई है। याचिकाकर्ता आज शीघ्र सुनवाई का आग्रह कर सकते हैं। इस घटना पर यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट की मांग की गई है, यानी अब तक किए गए उपायों और भविष्य में बरते जाने वाले एहतियातों की जानकारी देने की बात कही गई है। याचिका में घटना के लिए जिम्मेदार लोगों और अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने का आदेश देने का आग्रह भी किया गया है। याचिका में ऐसे समारोह के आयोजनों के लिए एक गाइडलाइन बनाने की अपील की गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने यह याचिका दाखिल की है। इस याचिका में 1954 से अब तक धार्मिक आयोजनों में मची भगदड़ और उसमें हताहत हुए लोगों की जानकारी देते हुए 15 बड़ी घटनाओं का हवाला दिया गया है। 1954 के कुंभ मेले में मची भगदड़ से ये सूची शुरू है और 2023 में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में बावड़ी की दीवार धंसने से हुई भगदड़ की घटना तक का जिक्र किया गया है। आपको बता दें जिस तरीके से हाथरस में 120 से ज्यादा लोगों की जान गई है, कहीं न कहीं योगी सरकार की भी मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि योगी सरकार ने अब तक क्या कड़े एक्शन लिए हैं, इस तरह की गंभीर घटनाओं से बचने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और भविष्य में ऐसी चीजें दोबारा देखने को ना मिले, योगी सरकार इसके लिए कितना अलर्ट है, स्टेटस की मांग की गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट अब योगी सरकार से स्टेटस मांग सकता है। याचिकाकर्ता जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और जो मांगे की गई हैं, जाहिर सी बात है प्रशासन शासन सरकार सब पर सवाल अब उठने शुरू हो गए हैं। फिलहाल योगी सरकार सख्त नजर आ रही है, इस पूरे के पूरे मामले को लेकर कड़े निर्देश दिए गए हैं। वहीं इस आयोजन के आयोजकों के खिलाफ जो है और बाबा के सेवादारों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ये घटनाएं देखने को मिली है, जाहिर सी बात है अब कई सवाल खड़े करता है और अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या एक्शन लेगा यह देखना काफी अहम माना जा रहा है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना एक्शन एंड पॉलिटिकल बाइट के साथ।